हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बागा बीच, नहीं सॉरी बागा बीच तो दूसरा था, ये है कैलनगुड बीच। एंड फुल एंजॉय, फुल मस्ती चल रही है। और आज के ब्लॉग में बने रहना, बिकॉज बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आज होने वाली हैं। जैसे कि देख रहे हो अभी हम बैठे हैं शेक में एंड फुल इंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल अभी मंगवाया हमने कुछ खाने पीने के लिए, वो दिखाता हूँ आपको। आपको थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज हम चिकन लॉलीपॉप मंगवाइए और ये मॉकटेल पी चुके हैं। अभी पुन्नू खा रही है एंड यहाँ पे बैठे हुए मेरी बेटी यहाँ लेटी हुई है। हाय अब्बू, हाय। फुल एंजॉय चल रहा है एंड पुन्नू लग गई है अपने फ़ोटो खिंचवाने। नए नए बंदों को पकड़ लेती हैं, बोलती हैं दो फ़ोटो खींचो, आपके बुकिंग करवाऊँगी, लेकिन करवाती नहीं है। ये पुन्नू की परमानेंट आदत है, ये देखो। एंड व्यू कुछ अमेजिंग होने वाला है। तो अभी फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे एंड थोड़ी देर बाद चलते हैं पानी। तो गाइज एक प्रॉब्लम हो गई है, अभी भाई कुनकुन बहुत तेज से रोने लग गई है, तो हमारी वाटर राइडिंग तो रुक गई है। बट पहले चलते हैं होटल और कुनकुन को घर छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा रो रही है तो मेरा बिल्कुल भी कुछ मन नहीं कर रहा, ना पुन्नू का मन कर रहा था। तो पहले इनको होटल छोड़ देते हैं, देन डिसाइड करेंगे करना क्या। तो चलो, कोई दिक्कत मत लेना, आपको कुछ ना कुछ नई राइडें दिखाएंगे जरूर। अभी भी रो रही है। तो गाइस व्यू देखो आप लोग, क्योंकि मैं और कुछ तो थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। इतना तमाशा करने के बाद हमारी तेजू गई है सो, एंड अब डिसाइड हमने ये किया है कि इन दोनों को फेंकने के बाद होटल में हम दोनों निकलेंगे घूमने। यो है और क्या कुछ करते हैं, वाटर स्पोर्ट करना तो कर ही नहीं पाए। वो रही है। तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा लग रही है जगह। लैंप देखो, लैंप भानो कितने अच्छे से लगे हुई है। यही रहता है। अब देखो कितनी हैप्पी हो गई है वहाँ पे, तो भाई ना चुप ही नहीं होने का नाम नहीं। कार में भी चुप थी। हाँ, कार में सोती हुई आई है, लेकिन वहाँ पे इसे या तो क्राउड में अच्छा नहीं लगा। क्राउड में रोती है। और हमारी बेटी ने अभी तो का करा दिया है कि हम दिन में गए थे एंड शाम हो गई यार गाइस। ओ वाओ, सनसेट 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 हो गया गाइस, पूरा सनसेट। ओ गाइस देखा आपने कितनी पतली लड़की है। तमारे रूम से सीधा सी व्यू एंड सनसेट होता हुआ नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वीडियो में आपको जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं और हमारी बेटी रानी छो रही है आराम से, तो मैं और पुन्नू जा रहे हैं अब रात की गेड़ी आपको दिखाने, क्योंकि अभी है ना बीच का टाइम तो खत्म हो गया बहुत। तो बीच नहीं जाएंगे, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया जाएंगे। हाँ, कुछ दिखाते हैं आपको डिफरेंट। तो चलो, हमारी सवारी निकल चुकी है डिस्को के लिए। तो फाइंड आउट करते हैं कि आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया डिस्को कौन सा होने वाला है। तो चलो हमारे साथ। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बोट क्रूज के ऊपर एंड यहाँ पे क्या क्या होने वाला है और कैसे आप एंट्री ले सकते हैं और कितना एंजॉय मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको इसी ब्लॉग में मिलने वाली है। तो बने रहो और देखते रहो। मैं यह है बोट क्रूज का एरिया पैराडाइज एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले खुद फाइंड आउट करना है कि हम लोगों को टिकट्स कहाँ से मिलेगी। और ये सारी बोट्स हैं जिनके काउंटर लगे हुए हैं एंड एक ये भी क्रूज़ है, इसके अंदर ये ऑप्शन हैं आपके, एंटरटेनमेंट टू प्रीमियम डिनर पार्टी क्रूज एंड टाइमिंग भी नीचे लिखी हुई है। और रश बहुत सारा है यहाँ पे, तो देखते हैं अभी पुन्नू क्या फाइनलाइज करती है। मतलब यहाँ पे अलग अलग क्रूज हैं, सबके नाम ऊपर लिखे हैं, तो
तो एक ये क्रूज है, एंड एक ये क्रूज है, मतलब क्रूज कम से कम 7-8 है। फोन नो जोर से मत बोलो इधर। ये हमें एक एजेंट मिले हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो टिकट्स है ना वो 1800 रुपये की है, तो ये वो हमें कोई ये डीलर जो रोड पे मिल रहे हैं ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं या फिर हमारा काम बढ़िया बना रहे हैं, अब देखते हैं। लेट्स सी। अब वो बंदा पुन्नू के पीछे पड़ गया है, ऐसा लग रहा है पुन्नू को भाई वोट वो अपनी दिला के रहेगा, बट उसकी बोट का सीन कुछ अलग ही है, लाइव म्यूजिक एंड ऑडियो जैक सब। अरे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना पेमेंट के लिए। अरे भैया फाइनल है। बोट क्रूज कैसी होने वाली है, क्या क्या हमें मिलने वाला है उसमें, तो वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए रश कितना है। इस बार गोवा में बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि कोविड के बाद से पब्लिक एक साल तक कहीं नहीं जा पाई थी, तो बहुत ज़्यादा रश है गोवा में। बीच पर जब गई थी तब भी बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर। तो अभी देखते हैं, मानो टिकट ले रहे हैं तो फिर जाते हैं क्रूज़ में, फिर आपको दिखाएंगे। तो भाई ये कुछ यहाँ की एंट्री पासेज होते हैं, 2 पासेज जिससे आपकी एंट्री होगी, एंड 2 पासेज स्नैक्स के जो अनलिमिटेड हैं, और ये 4 आपको मिलेंगे बियर के मिले हुए हैं। एक्चुअली में इसमें आप सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं, हार्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, आपके ऊपर ऑप्शन है। ये पैकेज हमें मिला है 2400 का, 2400 का मिला है, लेकिन बार्गिंग करनी पड़ेगी, वरना ये पैकेज आपको मिल जाता 1500-1500-3000। लाइन बोरी लाइन में लगते हैं। तो भाई ये है क्रूज, एंड हमारी एंट्री हो गई है ये वाला, एंड हमारी एंट्री ये वाला। कौन सा वाला बेबी? सामने क्या है, हवाई जहाज है क्या? कौन सा वाला? ये क्या? कौन सा वाला? यही है क्रूज बस। ये नीचे गिरना है पानी में? नहीं पानी में नहीं गिरना। तो गाइस चल रहे हैं अंदर, एंड चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर क्या है। अभी हम चल रहे हैं कैपिटल के अंदर। नहीं हमें तो कैपिटल में जाना, कैपिटल में करवा दिया, और तुम खुद महादेव में जा रहे हो। चलें चलो चलो से लेफ्ट लो। तो ये है महादेवी, एंड हमें जाना है कैपिटल वाले में। तो ये वाला क्रूज जो है ये है कैपिटल, जो ऑलरेडी स्टार्ट है, एंड चल रहे हैं इसके ऊपर। ये भी 2 फ्लोर में बना हुआ है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं टेरिस पे, अच्छे लग रहा है। एंड ये है यहाँ का डीजे सेक्शन, तो डीजे लगा हुआ है, एंड ऐसी लाइटिंग है। थोड़ी सी बोट के बारे में इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। पानी में कुछ भी फेंकना अलाउड नहीं है, डू नॉट थ्रो एनीथिंग इन द वाटर। बोट के ऊपर डस्टबिन रखा हुआ है, तो प्लीज डस्टबिन का यूज करो। पानी में कुछ भी फेंकना अलाउड नहीं है। अगर पानी में कुछ भी फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को 500 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। तो ये भैया आए हैं आपके कूपन कलेक्ट करेंगे। तो गाइस ये है कुछ पार्टी का माहौल, और यहाँ पे डीजे चल रहे हैं और बार लगा हुआ है, और सारे लोग सामने एंजॉय कर रहे हैं, एंड आप देख सकते हैं पूरा व्यू भाई।
ऐसे आपको क्रूज लेके दूर दूर जाएगी और घुमाएगी। गोवा में भाई ओनली मस्ती है। एंड ये देखना भूलना मत, ये भाई सब ब्रांड अपने प्रमोशन चल रहे हैं। और अभी फाइनली मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो, जैसे इनके क्रूज जो खड़े हुए हैं वो कहाँ पे, वो सारे क्रूज भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। तो ब्लॉग में बने रहो। सबसे परेशानी बात है, आप तो ब्लॉग में बने हो लेकिन पुन्नू कहाँ भाग गई, वो दिख गई।